फोर्थ तक किया था, फिफ्थ से स्टार्ट करना था हम लोग को, तो इसको पहले फटाफट खत्म करते हैं। उसके बाद तुम लोगों ने एक्सरसाइज ट्राई किया था, उसकी थ्योरी क्वेश्चंस ना? हाँ थ्योरी क्वेश्चंस, यस सर, यस सर, तो मैंने बीएड भी दिए थे आपको। हाँ कविन का आया था, बस मैंने देखा था सर, मैंने भी भेज दिया। So fifth question, तो क्या कह रहा है, two coils of resistances R1 3 ohm and R2 6 ohm are connected in series across a battery of potential difference 12 volt. तो इसका अगर हम लोग फ्री इसका डायग्राम बनाए, सर्किट डायग्राम, R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 6 ohm, are connected in series across a battery of potential difference 12 volt. तो हमने एक बैटरी में कनेक्ट कर लिया 12 volt बैटरी में. Draw the circuit diagram. Now find the electrical energy consumed in 1 minute in each resistance. ठीक है. So तो circuit diagram बनाना है. Find the electrical energy consumed in 1 minute in each resistance. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 मिनट में निकालना है, तो पहले करंट निकाल लो. सो टोटल करंट आई इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, पहले निकालेंगे आर इक्विवेलेंट इज आर वन प्लस आर टू, सो दिस इज 3 + 6, 9 ohm हो गया टोटल रेजिस्टेंस. और करंट आई, जो टोटल करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है आई, दिस विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. वोल्टेज इज 12, टोटल रेजिस्टेंस इज 9, 3 4s and 3 3s, सो दिस इज 4/3 एम्पियर. ठीक है, ये हमारा करंट हो गया 4/3 एम्पियर. अब करंट निकालने के बाद सो वंस यू हैव गॉट द करंट, अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालना है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन आर वन इज आई स्क्वायर आर वन इंटू टी. सो आई स्क्वायर दैट इज 4/3 का होल स्क्वायर, आर वन रेजिस्टेंस मतलब 3 इंटू टाइम 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 16/9 into 3 into 60. 3 3s are 320 times 320 joules हो गया. Second part, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन आर टू अगर हम लोग निकालते हैं, आई स्क्वायर आर टू इंटू टी 4/3 का होल स्क्वायर 6 into 60, 16/9 into 6 into 60. सो दिस इज 16 2s are 32. So this is, sorry. Yeah. So 16 2s are 32, and so ये तो ये 320 times हो गया 40. 16 4s are 640. 640 joules हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, सॉरी फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का ही दोनों ये है.
सेकेंड पार्ट में कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन वन मिनट. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाइड होता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी विल बी इक्वल टू, देखो जो पावर होगा वोल्टेज इंटू करेंट होता है, सो वी इंटू आई इंटू टी हो जाएगा. सो 12 इंटू 4 बाय 3 इंटू 960 जूल्स. इनफैक्ट तुम इन दोनों को ऐड भी करोगे तो भी 960 जूल्स ही आएगा, क्योंकि ओनली एनर्जी सप्लायर इन दिस सर्किट इज दिस बैटरी. तो ये बैटरी ही एनर्जी सप्लाई करेगा जो कि इन दोनों में स्टोर हो रहा है. तो R1 में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो 320 जूल है, R2 में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो 640 जूल है. इन दोनों को ऐड करोगे 960 जूल आएगा, और वो सेम उतना ही होगा जितना वोल्टेज इंटू करेंट पावर होता है. तो ये कितना पावर इसके अंदर से निकल रहा है, दिस इज 12 इंटू 4 बाय 3, और कितने टाइम तक हो रहा है वो दैट इज 60 सेकेंड. मल्टीप्लाई करेंगे V इंटू आई इंटू टी, हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड निकल के आ जाए. क्लियर है बच्चों? यस सर. Now two resistors R1 and R2 of resistance 3 ohm and 6 ohm. So we have two resistors R1 and R2, resistance 3 ohm and 6 ohm respectively, are connected in parallel across a battery of potential difference 12 volt. तो हमारे पास दो resistances है which are connected R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 6 ohm. They are connected in parallel across a battery of 12 volt. Voltage is equal to 12 volt. Now, draw the circuit diagram, calculate the electrical energy consumed in 1 minute in each resistances. अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में करंट अलग अलग होगा. I1 is equal to V by R1. देखो voltage put, because ये parallelly connected है, voltage across both the resistances will be same and that is equal to the supply voltage. So V by R1 that is 12 by 3, 4 ampere ho gaya. Current I2 is V upon R2, 12 by 6, 2 ampere ho gaya. Total current I is equal to I1 plus I2, 4 plus 2, 6 ampere ho gaya. So ye total current ho gaya. Okay. Now we have to calculate the electrical energy consumed in 1 minute. So energy consumed in R1 is equal to I1 square R1 into T. So this is, तुम V स्क्वायर बाय R1 इंटू टी भी कर सकते थे, तब तुम्हें करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दिस इज 4 स्क्वायर, R1 इज 3 इंटू 60, सो 16 इंटू 180, 2880 जूल्स. और सेकेंड पार्ट में एनर्जी कंज्यूम्ड इन आर टू हम लोग को निकालना है. सो दिस इज आई टू स्क्वायर, सॉरी आई टू स्क्वायर आर टू इंटू टी. सो आई टू यहाँ पे है 2 एम्पियर, 2 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 60,
1440 joules. Now, clear है ये? तुम यहाँ पे जो एनर्जी इन आर वन ई वन तुम वी स्क्वायर अपॉन आर वन इंटू टी वी करके निकाल सकते हो. उसी तरह ई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन टी. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिखिए. सेवेंथ क्वेश्चन है फिगर 8.60 शोज टू रेजिस्टर्स ए ऑफ 4 ओम. ये 4 ओम का रेजिस्टर है, दूसरा बी ऑफ 6 ओम ज्वाइंड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट. तो ये जो हमारा बैटरी है 12 वोल्ट ईएमएफ का है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें 2 ओम है. नाउ तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहां पे हम लोग अलग से शो कर लेते हैं. कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. तो फॉर दैट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ बी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 4 प्लस 6 प्लस 2 12 ओम हो गया. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया. उसके बाद द करंट इन द सर्किट. So current I is equal to so 12 upon 12 1 ampere. Second part है terminal voltage of the battery. V is equal to E minus IR. तो यहाँ पे जो ईएमएफ है वो 12 है. करंट 1 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 2. सो 12 माइनस 2 10 वोल्ट हो जाएगा. ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. थर्ड पार्ट कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस across the resistor B. So VB is I into RB. Current I तो पूरे ही सर्किट में सेम है 1 into 6, 6 volt. उसके बाद कह रहा है fourth part the electrical energy spent in 1 minute in resistance A. So energy spent in 1 minute in A is equal to I square R1 RA into T. जो total current हमारा flow कर रहा है 1 है. 1 square into 4 into time 1 minute 60 minutes. Seconds. 60 into 4 is 240 joules. Clear, bachcho? Done everyone? लिख लिया. एट वाला कह रहा है टू बल्ब ए एंड बी आर रेटेड 100 वॉट एंड 120 वोल्ट.
100 वॉट एंड 120 वोल्ट है, दो बल्ब्स लगा हुआ है, और दूसरा है 10 वॉट 120 वोल्ट, दूसरे बल्ब का रेटिंग, ये पहले बल्ब का रेटिंग। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। तो पहले तो आर वन निकाल लो, है ना, वी स्क्वायर बाय वी वन स्क्वायर बाय पी वन, वी वन स्क्वायर मतलब 120 स्क्वायर बाय 100, सो दिस विल बी इक्वल टू 14400 बाय 100, सो दिस इज 144 ओम। आर टू इज इक्वल टू 14400 by 10, this is equal to 1440 ओम हो गया इसका। अब आपसे कह रहा है विच बल्ब विल कंज्यूम, सो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब। तो करंट निकालने के लिए अब आई वन इज इक्वल टू वी वन बाय आर वन, सो वी वन इज इक्वल टू 120 by 144, या इसमें ना दे आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सोर्स। अच्छा ये देखो, ये पूरा जो बल्ब है, ये दोनों बल्ब सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और जो सोर्स है 120 वोल्ट सोर्स, ठीक है, इसमें आर वन इज इक्वल टू 144 ओम, ये 1440 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, 1440 प्लस 1484 ओम हो गया। सो करंट थ्रू ईच बल्ब इज सेम, आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज वी बाय आर इक्विवेलेंट 120 by 1584, सो दिस इज इक्वल टू 0.075। ये तो ए पार्ट हो गया, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। ठीक है, पावर कंज्यूम्ड बाय ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर वन, पावर कंज्यूम्ड बाय बी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बी। अब आई तो सेम है, नाउ सिंस आर ए इज ग्रेटर देन, सॉरी आर ए इज लेस देन आर बी, दिस इंप्लाइज पावर कंज्यूम्ड बाय बी विल बी ग्रेटर देन पावर कंज्यूम्ड बाय ए। तो आपको निकालना है विच बल्ब कंज्यूम मोर पावर, तो बी बल्ब बी कंज्यूम्स मोर पावर। क्लियर बच्चों? yes.
क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? यस सर। अब ये तो सीरीज में था, अभी पैरेलल वाला कनेक्शन है, टू बल्ब सी एंड बी, सो देयर आर टू बल्ब्स ए एंड बी विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले वाले का जो रेटिंग है वो 100 वॉट, 120 वोल्ट है, 10 वॉट, 120 वोल्ट। फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ 120 वोल्ट सोर्स। करंट इन ईच बल्ब एंड विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, ये निकालना है। तो अब देखो, पहले आर वन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी वन, ठीक है, या आर ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी ए। So this is 120 square by 100, 144 ohm. RB is again V square by PB. So this is 120 square by 10, 1440 ohm. So ye resistance ए में का और बी का दोनों का पता चल गया। करंट इन ईच बल्ब निकालना है, करंट इन ए इज इक्वल टू वी बाय आर ए हो जाएगा। वोल्टेज हम लोग 120 सप्लाई कर रहे हैं, आर ए 144 हो गया, सो 120 डिवाइडेड बाय 144 0.83 एम्पियर हो गया। आई बी इज इक्वल टू वी बाय आर बी, so this is 120 divided by 1440, तो ये 0.083 हो जाएगा। B part, this is your A part, which bulb will consume more power? Voltage same है, तो देखो V square by R A is equal to 120 square upon 144 and V square by RB is equal to 120 square upon 1440, ठीक है। अब देखो यहां पे जिसका डिनोमिनेटर हम लोगों को निकालना है, ये दिस इज पावर कंज्यूम्ड बाय ए, दिस इज पावर कंज्यूम्ड बाय बी, ठीक। सो अब देखो 1440 बिकॉज 144 से बड़ा है, राइट, तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। सो दैट मींस पावर कंज्यूम्ड बाय बी इज लेस देन पावर कंज्यूम्ड बाय ए। So which bulb consumes more power? A. Bulb A consumes more power. Sir, जब भी bulb parallel में है तो फिर current अलग निकालना होता है, और जब भी series में तो एक साथ निकालना होता है। हाँ, सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा ना, और जब पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, उसी को यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है? यस। हो गया सबका? लिख लिया बच्चों? यस सर।
टेंथ वाला है, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेटेड टू 20 वोल्ट 1 किलोवाट अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, 220 इंटू 220. डिवाइडेड बाय 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, 48.4 ओम हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ करेंट दैट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट. सो करेंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर, वोल्टेज 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 48.4 है, ठीक है. सो दिस इज 2200 बाय 484. तो 484 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 ही आएगा. करंट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 22. थर्ड इज द अमाउंट ऑफ हीट that will be produced in 5 minutes. So heat produced is equal to I square R into T. Okay. 4.54 ka whole square. Resistance 48.4 into time T, 5 minutes, 5 into 60. So H is equal to 299.28 kilojoules. So approximately 300 kilojoules. Fourth wala keh raha power consumed if the line voltage falls to 180 volt. Power is equal to 180 square. By resistance R. So 669.42 watts. क्लियर बच्चों? यस सर. सर हम लोग थर्ड पार्ट में आई स्क्वायर आर को पी भी लिख सकते हैं ना, पावर. हाँ हाँ लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर को पी भी लिख सकते हैं. थैंक यू. तो तुम चाहे वी स्क्वायर बाय आर करके निकाल लो, चाहे आई स्क्वायर आर करके निकाल लो, एक ही बात. अभी यहाँ पे ये बता रखा था ना कि ये जो 180 वोल्ट कर दिया है, तो ये जो आई स्क्वायर आर है ये 180 वोल्ट पे नहीं देगा, ये 220 वोल्ट पे हम लोग कैलकुलेट किए हुए. तो 180 वोल्ट पे करना है, वोल्टेज चेंज कर दिया हमने,
इसी वजह से ये कर रहे हैं, पहले 220 वोल्ट पे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। 220 वोल्ट पे जो ऑपरेट कर रहे थे उस समय हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, समझ? हो गया बच्चों? यस। इलेवेंथ क्वेश्चन है, अ गीजर हैज अ रेटिंग ऑफ 2 किलो वोल्ट एम्पेयर केवीए 240 वोल्ट। तो गीजर का जो रेटिंग है 2 केवीए हो गया। ये 2 केवीए जो होता है ना, ये पावर ही होता है, वोल्टेज इनटू करंट, बेसिकली ये पावर का ही एक यूनिट है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन किलो वॉट आवर एंड जूल इफ इट इज यूज फॉर 90 मिनट्स, इफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दिस मच फाइंड द कॉस्ट। तो देखो गीजर का जो रेटिंग है 2 केवीए है 240 वोल्ट्स में, ठीक। सो किलो वोल्ट एम्पियर को किलो वॉट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो में। पावर इज इक्वल टू 2 केवीए इज इक्वल टू 2 किलोवाट। सो किलोवाट आवर में एनर्जी निकालना है, पहला एनर्जी इन किलोवाट आवर, किलोवाट इतना इनटू जो कितने घंटे हम लोग यूज करते हैं 90 मिनट्स, तो 90 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट, आवर्स में करेंगे तो 90/60 हो गया। So this is 3 kilowatt hour. Electrical energy consumed in kilowatt hour, and second electrical energy consumed in joule. अब हम लोग को निकालना है। So joules में अगर हम लोग convert करेंगे तो 3 × 1000 × जो आवर्स है उसको सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 × 60 3600। सो 108000 तो 1.08 × 10⁶ हो गया 7। अच्छा किलोवाट था ना, 1000 से करेंगे। सो 1.08 × 10⁷ जूल्स। कॉस्ट निकालना है, कमर्शियल यूनिट तो किलोवाट आवर होता है, तो 3 × 4.5 13.5। सो दिस इज रुपीज 13.5। सर वो पार्ट वन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? कौन से वाले में? ये वाला जो निकाला है हम लोगों ने। यस सर। कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वॉट आवर में एनर्जी निकालना है तो पावर इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज किया है। एनर्जी पावर किलो वॉट में 2 किलो वॉट है और टाइम जो है ये दे रखा है 90 मिनट्स, तो 90 बाय
60 आवर्स हो गए. यस सर. ट्वेल्थ वाला देखिए, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट. दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड टू मीन्स ऑफ वोल्टेज 250 वोल्ट. द करंट ड्रॉन, करंट I इज इक्वल टू पावर बाय वोल्टेज. सो दिस विल बी इक्वल टू 1500 वॉट बाय 250, 6 एम्पियर हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 आवर्स. सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम. पावर 1500 वॉट है और 16 आवर्स. So 90,000 watt hour so energy is equal to 90 kilowatt hour. अब तीसरा पार्ट कह रहा था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ दिस. कॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी इन किलोवाट आवर इनटू रेट. तो एनर्जी इन किलोवाट आवर इज 90 एंड रेट इज 4.5. दिस विल बी इक्वल टू 405 rupees. लिख लिया बच्चों. थर्टींथ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन अ मंथ इन अ हाउस यूजिंग टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच. है ना, इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है. सो टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच, टू फैंस ऑफ 60 वॉट ईच. इफ द बल्ब्स एंड फैंस आर यूज्ड फॉर एन एवरेज 10 आवर्स ईच डे. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ निकालना है. मंथ में अब हम लोग 30 डेज लेंगे. ठीक है, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ किलोवाट आवर में निकालना है. सो टू बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच, 2 × 100. ठीक है, 2 × 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे. ठीक है, ये एनर्जी निकल गया, सॉरी पावर निकल गया किलोवाट में. और प्लस 2 × फैंस 60, 1000 से डिवाइड कर दिया. ये सब हम लोग 10 आवर्स डेली कर रहे हैं और नंबर ऑफ डेज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 30. सो 200 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 इंटू 30.
सो 32 इंटू 3 इज 96. सो द पावर कंज्यूम्ड इज 96 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड. सॉरी, अब आपको कह रहा है सेकेंड पार्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट इज 4.50. कैलकुलेट इन पार्ट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड पर मंथ. Cost is equal to energy consumed into rate. ₹4.50 दे रखा. This is so we have 960 into 4.5 4320. So 96 into 4.5 432. So cost is equal to 432. हो गया बच्चों? आगे समझ आप लोग को? यस. Now next वाला है a heating coil is immersed in a calorimeter of heat capacity 50 joules per degree Celsius containing 1 kg of liquid of specific heat capacity 450 joule per kg per degree Celsius. The temperature of the liquid rises by 10 degree Celsius when 2 ampere current is passed for 10 minutes. Okay. Now find the resistance of the coil, potential difference across the coil, state the assumption used in your calculations. So assumption to ye hai ki bhai there is no loss in heat, 100% efficiency se kaam ho raha hai. अब हीटिंग कॉइल है इमर्ज्ड है इन अ कैलोरीमीटर ऑफ हीट कैपेसिटी 50 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस एंड 1 केजी ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये हो गया. देखो करंट हो रहा है 2 एम्पीयर और इज पास्ड फॉर टाइम मिनट्स. टाइम टी इज इक्वल टू 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स. ठीक है ना. एनर्जी पहले किस से निकाल लेंगे. एनर्जी निकालने के लिए जो हीट एनर्जी निकालते हैं तो पहले तो वाटर जो इसके अंदर है उसको आप हीट कर रहे हो एम सी डेल्टा टी. प्लस जो कैलोरी मीटर है उसको भी हम लोग कर लेंगे एम सी डैश डेल्टा टी. सो वाटर 1 केजी है इनटू जो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है. सॉरी लिक्विड है 1 केजी उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस.
राइज इन टेम्परेचर इज 10 डिग्री प्लस ऑफ, देखो ये 50 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस है, तो ये बिकॉज हीट कैपेसिटी है तो मास इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो इसीलिए ठीक है सीधे सी डैश डेल्टा टी कर देंगे. सो दिस इज 50 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द टोटल एनर्जी. इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 4500 प्लस 500, तो बेसिकली दिस इज 5000 जूल्स. तो ये हो गया एनर्जी, हीट एनर्जी जो सप्लाई करना है. करंट हमें पता है, टाइम पता है, राइट. सो रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल मतलब आई स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू 5000, 2 स्क्वायर इंटू आर इंटू 600 इज इक्वल टू 5000. रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5000 बाय 4 इंटू 600, 5000 बाय 2400, 25/12. So ohm हो गया. पहला पार्ट का रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल निकल गया. सेकेंड में आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्वाइल करना है. V इज इक्वल टू आई आर कर लेते हैं. करंट हम लोग को पता है 2 × 2.08 4.16 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज हो गया. एजम्पशन ये हम लोग का है कि भाई जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा किससे मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एट एन एफिशिएंसी ऑफ 100%. क्लियर है बच्चों? यस सर. तुम लोग एक बार न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर लेना, ये 21 क्वेश्चंस हैं, ठीक सारे ही कर लेना. हाउसहोल्ड सर्किट में तो बहुत सारी चीजें हट गई हैं, तो जो चीजें हैं उसको बस हम लोग कर लेंगे तो हमारा ये हाउसहोल्ड सर्किट भी खत्म हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो इस वीक में हम लोग का हाउसहोल्ड सर्किट भी खत्म हो जाएगा. तो हमारा जो रिवीजन वाला पोर्शन है, ये रेडियो एक्टिविटी तो अभी तुरंत किए ही है, टेस्ट भी हो गया है तुम लोगों का, कैलोरीमेट्री हो गया है और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाउसहोल्ड सर्किट भी हो जाएगा इस वीक में. तो फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग टारगेट कर सकते हैं साउंड और लाइट का पोर्शन थोड़ा. ठीक है, हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक बार दिसंबर के पहले ना पूरा. ठीक है बच्चों. तो सर जो रेडियो एक्टिविटी के टेस्ट का रिजल्ट वो कब आएगा, जब मार्क नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा मैं वेंसडे को. ठीक है. यस सर. सर हर चैप्टर का टेस्ट इंडिविजुअली होगा या फिर एक कंबाइंड टेस्ट होगा? नहीं, इंडिविजुअली नहीं लेंगे, आप फुल लेंथ टेस्ट ही लेंगे जो लेंगे, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा हो ही गया है तो मैं प्लान तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा. अभी नहीं, अभी तुम लोग रिवाइज कर लो. तुम्हारा 1 तारीख से एग्जाम है ना, तो दिवाली के बाद जो है ना हम लोग 2 टेस्ट तुम्हारा फुल लेंथ ले लेंगे एग्जाम के पहले. ठीक है, या कम से कम एक एक तो पहले एक पूरा सब्जेक्ट कर लें. 3-3 घंटे वाला टेस्ट, मतलब वो 2 घंटे 2.5 घंटे वाला टेस्ट होगा. मैथ्स का तुम्हारा 2.5 घंटे का होता है और बाकी 2 घंटे का पेपर होता है ना. Yes, sir. तो हम लोग सर ऑनलाइन देंगे या फिर आप वहां पे मतलब रिटर्न करवाएंगे? रिटर्न ही करवाएंगे ऑनलाइन, मतलब सेंटर पे तो पता नहीं अभी आने लायक स्थिति रहेगा कि नहीं दिवाली तक. देखो अगर नहीं भी रहेगा तो घर पे करके फिर हमको भेजोगे फोटो. ठीक है. Yes. जैसे मान लो आज का जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास है, उसको क्लब करके एक टेस्ट उस दिन ले लेंगे, फिर ऐसे ही अलग अलग दिन टेस्ट तुम्हारा ले लेंगे. मैथ्स का लेना है, फिजिक्स का लेना है, एक केमिस्ट्री का लेना है, ये 3 चीज का पहले टेस्ट लेना है.
ही लेंगे। ठीक है, एक राउंड हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे टाइम बचेगा तो फिर दूसरा राउंड भी ले लेंगे। लेटेस्ट प्लान की दो दो टेस्ट तुम लोग लिख लो एग्जाम के पहले, ठीक है? आइडिया भी लग जाएगा तुम लोग को कैसे 2 घंटे तक पूरा पेपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना आता है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। यस ठीक है, कोशिश करो कि दिवाली तक तुम लोग रिवाइज कर लो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, है ना, 15 डेज का टाइम है, तो दिवाली तक रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद फिर 2 टेस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों? सर दिवाली का ब्रेक कितना है? 3 या 4 दिन का है यार, पता नहीं, याद नहीं है, देख लेना, तुम लोग के साथ शेयर तो किए, दोबारा भेज देंगे, देख लेना। ठीक है, Yes. Yes. का तो खैर संडे को तो क्लास, इस बार तो दिवाली भी शायद सैटरडे या संडे को ही पड़ रहा है, सैटरडे। अच्छा, तो हम लोग के यहाँ शायद छुट्टी फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे को है, भाई दूज भी है शायद मंडे को, और संडे को तुम्हारा बंद ही रहता है वैसे तो, फ्राइडे और सैटरडे और मंडे, मतलब 3 दिन रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो।